फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। और आज हम आंवले की एक नई रेसिपी लेके आए हैं, तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से बनता है। सबसे पहले हम आंवले को स्टीम करेंगे। स्टीम के लिए मैंने गैस पे एक इस तरह का बर्तन रख लिया है, कढ़ाई है ये, और इसमें मैं स्टैंड डाल रही हूँ। इस तरह का स्टैंड है आपके पास तो डाल लीजिए, नहीं तो नीचे एक कटोरी रख दीजिए। और कढ़ाई में मैंने पानी डाला है और उसके ऊपर स्टैंड रखा है। और ये मैंने आंवला लिया है और हम इसे ढक्कन से ढक देंगे और 7 से 8 मिनट तक स्टीम कर लेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं कि आंवला स्टीम हुआ है कि नहीं। ये देखिए आंवला स्टीम हो गया है। अब हम एक आंवला लेंगे और इसे बीज से अलग कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम सारे आंवले बीज से अलग कर लेंगे। आंवला भी हमने बीज से अलग कर लिया है। अब हम इसे साइड में रखते हैं और अब हम मिक्सी का जार लेंगे और इसमें मैं ये उबले हुए आंवले डाल दूंगी जो मैंने स्टीम करके रखे हैं और इसे ढक देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये हमने आंवले का बारीक पेस्ट तैयार कर लिया है। आंवले में बिना पानी डाले इसको चम्मच से चलाते हुए हम पीस लेंगे। कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे, आंवले का पेस्ट डालेंगे। आंवले का पेस्ट हमने कढ़ाई में डाल दिया है। हम आंवला जितना डालेंगे उससे दुगनी हम चीनी डालेंगे। डबल चीनी डालना है, इससे कैंडी अच्छी बनेगी। और इसे मिक्स करके लो से मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। पकाते समय कढ़ाई से चिपकेगी तो इसे बराबर चलाते रहिए। और अब हम इसमें ये मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है और ये कटोरी में डाल देंगे और इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डाल के घोल लेंगे और इसे अच्छी तरह घोल लेंगे। कॉर्नफ्लावर नीचे तली में बैठती है तो इसे अच्छी तरह से घोल लीजिए। और ये घोला हुआ कॉर्नफ्लावर हम इसमें डाल देंगे। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद इसे बराबर चलाते रहना है, नहीं तो लम्स पड़ेंगे, इसलिए ध्यान रखिए इसे बराबर चलाते रहिए। और गैस का फ्लेम हम लो से मीडियम ही रखेंगे। हम इसे 3 से 4 मिनट तक बराबर चलाते हुए पका लेंगे। और कॉर्नफ्लावर डालने से क्या होगा कि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी, इसलिए 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर पानी में घोलकर जरूर डालिए कैंडी बनाते समय। इसे बनाते समय 3 से 4 मिनट लगता है। आंवले का जब मॉइस्चर सूख जाएगा और चीनी जब धीरे धीरे गाढ़ी होने लगेगी तो ये अपने आप ही इस तरह से ये देखिए इकट्ठा हो रहा है। ये देखिए ये कलछी पे इकट्ठा हो रहा है। ये देखिए गिराते समय आसानी से नहीं गिर रहा है। इसका मतलब हमारी जो कैंडी का मिक्सचर है ना वो बनके तैयार है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। मिक्सचर तो हमारा बनके रेडी है। अब मैं ये थोड़ा सा ये कोकोनट पाउडर ले रही हूँ, 1 चम्मच पाउडर शुगर डाल रही हूँ, चीनी का पाउडर। अच्छा, मैंने जो कोकोनट पाउडर लिया है ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो मत यूज कीजिए। चीनी का बुरादा डाल दीजिए, वो भी ऑप्शनल है। इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं। और ये मैंने मोल्ड ले लिया है। आपके पास अगर मोल्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी प्लेट में फैला लीजिए। और हम इसे चारों तरफ से इस तरह से फैला देंगे। और अब हम मोल्ड में ये जो हमने तैयार किया हुआ मिक्सचर है इसे डाल देंगे, अच्छी तरह से फैला देते हैं चारों ओर। दोस्तों, ये कैंडी बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है खाने में।
और किसी चम्मच से इसे चारों तरफ से इस तरह से अच्छी तरह से फैला देते हैं, शेप इसे अच्छी दे देते हैं। और इसे हम 10 से 15 मिनट तक ठंडा होने देंगे ताकि कैंडी अच्छी तरह से जम जाए। अब हम इसे फ्रिज में रख के ठंडी कर लेते हैं, थोड़ी जल्दी हो जाएगी। इसे आप रूम टेम्परेचर पे भी आधे घंटे रख देंगे तो अच्छी तरह से जम जाएगी। कैंडी हमारी जम गई है और इसे चाकू से इस तरह से किनारे से हल्का हल्का इस तरह से निकाल लीजिए ताकि निकलने में आसानी हो। और ये मैंने प्लेट ले लिया है और इस तरह से इसको उल्टा कर देंगे और इसे अच्छी तरह से कैप कर दीजिए और मोल्ड को ऊपर उठा लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से निकली है। और इसे चाकू से छोटे छोटे पीस में काट देते हैं। और ये हम एक कैंडी उठा लिए हैं और इसे पाउडर शुगर में हम कोट करके अच्छी तरह से और प्लेट में प्लेटिंग कर रहे हैं। बहुत टेस्टी बनती है दोस्तों, आप भी घर पे जरूर ट्राई कीजिए। हमारी आंवले की कैंडी बनके तैयार है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।